समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब चल रही है और वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर पूजा पाठ और हवन पूजन का भी दौर बदस्तूर जारी है। मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत की कामना को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के दीनदयाल नगर में भी उन्हीं के हमनाम जिला पंचायत सदस्य और पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ दुर्गा मंदिर परिसर में हवन पूजन किया। चंदौली के दीनदयाल नगर के रहने वाले और वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य और नियमिताबाद ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुलायम सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ मानस नगर स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में पहुंचे और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अच्छी सेहत और जल्द स्वस्थ होने की कामना के लिए हवन पूजन किया। उनके साथ दर्जनों की तादाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। हवन पूजन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्रोच्चार के बीच अपने प्रिय नेता की सेहतमंद होने की कामना की। सुनिए मुलायम सिंह यादव की तबीयत को लेकर उनके हमनाम मुलायम सिंह यादव का क्या कहना है। मेरा नाम मुलायम सिंह यादव, मैं पूर्व में ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में अभी जिला पंचायत का सदस्य हूँ। मुलायम सिंह जी, ये बताइए कि जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं नेताजी, उनकी तबीयत खराब है, तो आप लोगों ने किस तरह से उनसे प्रार्थना की है उनके स्वास्थ्य के लिए? देखिए, नवरात्रि का दिन चल रहा है, हम लोगों ने माँ दुर्गा से, जो शक्ति के स्वरूप हैं, हम लोगों ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है, किए हैं कि आदरणीय नेताजी जो अस्वस्थ चल रहे हैं, वेदांता में एडमिट हैं, हम लोगों ने माँ दुर्गा से यही प्रार्थना की है कि नेताजी को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी को उनकी बहुत ज़रूरत है। वो समाजवादी पार्टी के जनक हैं, संरक्षक हैं और पूरे समाजवादी परिवार को उनकी ज़रूरत है। हम लोगों ने माता दुर्गा से यही प्रार्थना की है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में आवें, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत है अभी समाजवादी पार्टी परिवार को। पूरे प्रदेश में ही जगह जगह से मुलायम सिंह यादव के ठीक होने की प्रार्थनाएं की जा रही हैं। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी यही दुआ कर रहे हैं कि सपा संरक्षक